शक्तिमान सोनपरी शकलाका बूम बूम अकड़ बकड़ बम्बे बो विकराल गबराल कुछ ऐसे नाम हैं जिनको सुनने के बाद 20s के इंडियन किड्स की लिटरली आंखें भर आती हैं। एंड उन्हीं शोज में से एक लेजेंडरी नाम है हातिम। हम सब इस सीरियल से बहुत तगड़े तरीके से जुड़े हुए हैं, बट एक डाउट जो आपको जरूर होगा कि क्या हातिम सच्ची घटनाओं पर आधारित एक स्टोरी है या मनगढ़ंत कहानी, क्योंकि अर्ली 20th सेंचुरी से ही हातिम पर कई फिल्में एंड टीवी सीरीज बनाई जा चुकी हैं, तो कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए ना इस कहानी में। वेल, इसी सवाल को फोकस में रखते हुए आज हम अपने बचपन के हीरो हातिम के बारे में A to Z सब कुछ जानने वाले हैं। हातिम के पहले एपिसोड की शुरुआत हातिम के जन्म के साथ होती है, जो कि यमन का शहजादा बनता है, और यही वो फकीर बाबा हैं जो इस शहजादे को उसका नाम देते हैं। हम इसका नाम हातिम रखते। चलो, यमन के महल के बाद सीधे जफ्फार के इस काले अंधेरे महल पर नजर डालो, क्योंकि उसी दिन इस महल की मल्लिका का भी एक बच्चा पैदा होता है जिसकी दिल की धड़कन पैदा होते ही रुक जाती है। एंड इस बुढ़ाऊ से तो आप वाकिफ ही होंगे, ये जफ्फार के महल का सलाहकार होता है जिसका नाम नजूमी है। अब क्योंकि इसे पूरे दुनिया पर राज करने की खुजली होती है, इसीलिए ये उस मरे हुए बच्चे को शैतानी ताकतों से जिंदा कर देता है। एंड फिर बादशाह देखता है कि अरे बच्चा तो जिंदा है, पर यहाँ भी एक भविष्यवाणी करने वाले फकीर होते हैं जो जफ्फार के बादशाह को मस्त लेक्चर देते हैं कि कैसे ये बच्चा शैतानी है और फ्यूचर में ये अच्छाई को दुनिया से खत्म कर देगा, एंड इसीलिए दुनिया की रक्षा के लिए इस बच्चे को मारकर इसका दिल जला देना होगा। और ये सारी चीजें बादशाह मान जाता है और नजूमी को कहता है कि इस बच्चे का दिल निकाल कर ले आओ। और इसकी शक्ल देखकर आपको लगता है कि इसने बच्चे को मारा होगा। एब्सोल्युटली, इसने बच्चे की जगह एक खरगोश का दिल लाकर बादशाह के सामने जला दिया और इस बच्चे का नाम दज्जाल रख के उसे इसने बड़ा किया। इधर हातिम नेकी के रास्तों पर चलना सीख रहा था और उधर दज्जाल बुराई के रास्तों पर। एंड फाइनली अब आता है ये एपिक सीन जिसमें हातिम की मुलाकात परिस्तान की शहजादी से होती है जिसका नाम जासमीन है, और इसके तुरंत बाद जासमीन के एक अंगरक्षक होबो से भी हातिम की मुलाकात होती है। और दूसरी तरफ नजूमी दज्जाल को अपने पप्पा से मिलवाता है, और मिलनसार के तुरंत बाद दज्जाल अपनी अम्मी और अब्बा दोनों को टपका मार देता है। अब दज्जाल को पूरी दुनिया पर राज करने के लिए सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली लड़की से शादी करना जरूरी है, जिसके लिए वो राजकुमारी सुनेना के पास जाता है शादी का प्रस्ताव लेके। अब ये शादी जोर जबरदस्ती से तो नहीं की जा सकती, इसीलिए राजकुमारी सुनेना को अपनी मर्जी से हाँ करना होगा, पर एज एक्सपेक्टेड वो शादी के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद दज्जाल सुनेना के भाई सूरज को पत्थर का बना देता है और सुनेना को कहता है कि 7 महीने में यदि वो शादी के लिए राजी नहीं होती है तो उसके भाई को वापस पत्थर से इंसान कोई नहीं बना सकता। सुनैना की शादी विशाल नाम के इस राजकुमार से होने वाली होती है, जो कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हातिम के पास जाकर मदद मांगता है। और ये जादूगर भाई साहब बताते हैं कि सूरज को ठीक करने के लिए एक दूसरा रास्ता है 7 सवालों के जवाब ढूंढने का। तो बस हातिम भैया जासमीन के साथ अपनी शादी छोड़कर निकल पड़ते हैं 7 सवालों के जवाब ढूंढने, और वो 7 सवाल कुछ इस प्रकार है। एक बार देखा है बार बार देखने की मतलब आप पूरी लिस्ट यहाँ पर पढ़ सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हातिम जब 7 सवालों के जवाब ढूंढने के सफर पर निकला, तब जासमीन होबो को ऑर्डर देती है कि उसे हातिम के साथ जाना होगा उसकी सहायता के लिए। बेचारा होबो, वो हातिम से बार बार यही कहता रहता था कि हातिम घर चलो घर चलो। मतलब स्टार्टिंग में हातिम और होबो की बिल्कुल नहीं बनती थी, बट वक्त बीतने के साथ साथ दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। 47 एपिसोड के इस टीवी सीरीज से ना जाने हमारी कितनी ही यादें जुड़ी हुई है। आप में से किसी ने इसे स्टार प्लस पर देखा होगा,
किसी ने स्टार उत्सव पर या शायद किसी ने हंगामा टीवी पर भी देखा हो। आज यदि इसके VFX एंड CGI को देखें तो वो हमें बहुत बचकाना सा लग सकता है, बट माय डियर फ्रेंड, साल 2003 में इस लेवल का VFX भी देखकर ना लोगों को गूज़बम्स आने लगते थे। तो चलो अब जानते हैं कि हातिम जैसे एक फैंटास्टिक एडवेंचर टीवी सीरीज को बनाने के पीछे की कहानी क्या है। हातिम द बैक स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है अलिफ लैला से, यानी अरेबियन नाइट्स या फिर 1001 नाइट्स। ये तीनों ही नाम एक बहुत पॉपुलर अरेबियन क्लासिक का है। ये क्लासिक कुछ मिडल ईस्टर्न अरेबिक फोक टेल्स का एक कलेक्शन है। फोक टेल्स मतलब लोक कथाएं, यानी वो कथाएं जिनका ओरिजिन किसी समाज के पॉपुलर कल्चर से होता है। एंड आमतौर पर ये कहानियां वर्ड ऑफ माउथ से नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन किया जाता है। जैसे दादा दादी अपने बच्चों को कहानियां सुनाकर उन्हें पास ऑन करते हैं, देन वो बच्चे अपने बच्चों को सुनाकर पास ऑन करते हैं, एंड वाइस वर्सा। वेल, अरेबियन नाइट्स कई सारे फोक टेल्स का कलेक्शन तो है, बट ये क्लासिक खुद एक कहानी को फॉलो करती है, जिस कहानी में मेन लीड रोल शहरयार एंड शहरजाद का होता है। साल 1993 में इसी क्लासिक पर बेस्ड एक इंडियन टीवी सीरीज बनाया गया था, जिसे ओरिजिनली DD नेशनल चैनल पर एयर किया गया। हर शब नई कहानी, दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं, लेकिन न हो पुरानी। अरेबिक भाषा में अरेबियन नाइट्स का ट्रांसलेशन अलिफ लैला व लैला है, जिसके आधे नाम पर इस सीरीज का नाम रखा गया था। तो अलिफ लैला की स्टोरी में शहरयार नाम के एक सुल्तान के साथ उसकी पत्नी बेवफाई कर देती है, जिसके कारण शहरयार के मन में ये बैठ जाता है कि सभी औरतें एक जैसे होती हैं। एंड इस चीज को वो इतना सीरियसली ले लेता है कि वो अपने सल्तनत में मौजूद सभी कुंवारी स्त्री के साथ सिर्फ इसलिए शादी करता है ताकि वो उन्हें अगले दिन मृत्यु दंड दे सके। शहरजाद इस क्रूर शासक के वजीर की बेटी होती है, जो शहरयार के दुष्कर्मों को रोकने के लिए शहरयार से खुद निगाह कर लेती है। और शादी की रात वो शहरयार को एक कहानी सुनाना शुरू करती है, जिस कहानी के अंत में वो एक और कहानी शुरू कर देती है। बट क्योंकि तब तक सुबह हो जाती है, इसीलिए शहरयार को अपने दरबार में जाना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम शहरयार के अंदर अगली कहानी का अंत जानने की बहुत तेज जिज्ञासा पनप उठती है, जिसके कारण उसे शहरजाद को एक दिन और एक रात की जिंदगी और देनी पड़ जाती है। और ये हर रात ऐसा ही होता है, और शहरजाद का एग्जीक्यूशन पोस्टपोन होता रहता है। ओरिजिनली शहरजाद के द्वारा सुनाई गई कहानियां टोटल 1001 नहीं होती हैं, बल्कि कुछ 100 के आसपास ही होती हैं। तो इसका नाम 1001 नाइट्स क्यों पड़ा, यही सोच रहे हो ना। वेल, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अरेबियन नाइट्स पॉपुलर होती गई और कई राइटर्स इसमें एक्स्ट्रा कहानियां ऐड करते गए, जो एशियन कॉन्टिनेंट के बहुत से कंट्रीज की लोक कथाएं हुआ करती थी। एंड ऐसे करते करते अरेबियन नाइट्स में 1001 कहानियां ऐड हो गई। बाद में जो कहानियां ऐड की गई उनमें अलादीन, सिंधबाद, अली बाबा, 40 चोर एटसेट्रा शामिल हैं। अलिफ लैला के ऊपर कभी और अच्छे से बात करेंगे, फिलहाल ये जान लो कि अलिफ लैला की कहानियों में हातिम का जिक्र भी हुआ है। एंड हातिम कोई काल्पनिक शख्स नहीं है, बल्कि ही वॉज इन रियल। यस, एक्चुअल में हातिम नाम का दरिया दिली इंसान इस दुनिया में हुआ करता था। इतिहास की माने तो हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्द अल्लाह बिन सईद अल्ताई था, जो कि 6th सेंचुरी में सऊदी अरेबिया के हेल नाम के शहर का एक शासक एवं एक कवि था। हातिम इतने दयालु हुआ करते थे कि वो दूसरों की सहायता के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते थे। इनका जन्म कब हुआ ये कोई इतिहासकार पता नहीं लगा पाया, पर इनकी मृत्यु साल 1578 में हुई थी। एंड ये हातिम का मकबरा है, जहाँ पर उनका कब्र मौजूद है। किस्सा ए हातिम ताई, जिसे दास्तान ए हातिम ताई भी बोला जा सकता है, एक ऐसी बुक है जिसमें हातिम के दरिया दिली की कई सारी कहानियां शामिल हैं। हातिम की सीरियल वाली जो कहानी है उसमें बहुत सी चीजें अलग से बनाकर दिखाई गई हैं, एंड बुक में लिखी कहानी सीरियल वाली कहानी से काफी अलग है। बट हाँ, कहानी का मेन प्लॉट बुक एंड सीरियल दोनों में 7 सवालों के जवाब ढूंढने का ही है। नाउ, क्या हातिम ने सच में ये 7 सवाल वाला एडवेंचर किया था? तो
इसका आंसर डेफिनेटली नो है। हातिम की सात सवाल वाली कहानी मात्र एक काल्पनिक कहानी है जो कि हातिम ताई के रियल कहानियों को ध्यान में रखकर क्रिएट किया गया है। सो या हातिम सच में एक रियल इंसान था, बट सीरियल में दिखाई कहानी का रियल हातिम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जादू टोना थोड़ी ना सच में होते हैं यार। बट लिटरली हातिम की ये फिक्शनल स्टोरी वर्ल्ड वाइड इतनी पॉपुलर हुई कि इसके ऊपर बहुत से फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स तक बनाए गए। 1929 में, 1933 में और 1947 में हातिम पर बेस्ड तीन ब्लैक एंड व्हाइट इंडियन फिल्म्स बनाई गई और इन तीनों फिल्म्स का नाम हातिम ताई ही रखा गया था। उसके बाद 1955 में हातिम ताई की बेटी नाम से एक इंडियन फिल्म बनाई गई जो कि स्टिल ब्लैक एंड व्हाइट ही थी। 1955 में सखी हातिम नाम से भी एक इंडियन फिल्म बनी एंड फाइनली 1956 में आई हातिम ताई जो कि एक कलरफुल इंडियन फिल्म थी। ये फिल्म लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। इसके बाद 1958 में शान ए हातिम नाम से एक फिल्म आई, 1965 में सन ऑफ हातिम ताई, 1971 में सात सवाल एंड 1990 में आई बाबू भाई मिस्त्री के द्वारा डायरेक्टेड हातिम ताई के फिल्म जिसमें जितेंद्र और अमरीश पुरी देखने को मिले थे। ये मूवी तो आप में से कई लोगों ने देखा ही होगा। बात करूं टीवी सीरीज की तो हातिम पर बेस्ड सबसे पहली टीवी सीरीज डीडी नेशनल पर साल 1994 में ब्रॉडकास्ट की गई जिसका नाम था दास्तान ए हातिम ताई। एंड फाइनली 2003 में स्टार प्लस पर आया अपना वाला हातिम जो कि इंडिया एंड इसके पड़ोसी देशों में बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। तो चलो ना जानते हैं कि अपने वाले हातिम को बनाने में किन किन लोगों का हाथ था। हातिम द क्रिएटर्स एंड द कास्ट। वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। यदि आपको इस वीडियो को ये वाले विजुअल्स अच्छे लग रहे हैं तो उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मिलानोट का। मिलानोट इज अ फ्री टूल जो कि माइंड मैप्स बनाने में एंड आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने में काफी हेल्पफुल रहता है। आप इसमें किसी प्रोजेक्ट के लिए स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, रेफरेंसेस इकट्ठा कर सकते हो, स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर सकते हो, एटसेट्रा। मतलब जैसे क्रिएटिव स्टूडियोज में एक बोर्ड होता है ना जहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्केचेस, रेफरेंसेस, इमेजेस, आइडियाज, नोट्स, डायग्राम सबको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। ठीक वैसा ही एक बोर्ड है मिलानोट, बट ये पूरा ऑनलाइन यानी डिजिटल है। मैं पर्सनली कुछ टाइम से अपने सारे स्क्रिप्ट्स मिलानोट में ही लिख रहा हूँ एंड आई एम रियली लविंग इट। तो ये वीडियो देखने के बाद मिलानोट को एक बार एक्सप्लोर जरूर करना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल, हातिम सीरियल के क्रिएशन की कहानी शुरू होती है इसको बनाने वाली कंपनी सागर आर्ट एंटरप्राइज के फाउंडर एंड ओनर रामानंद सागर से। यस, रामायण, श्री कृष्णा और साईं बाबा जैसे सीरियल्स को बनाने वाले भगवान यही है। 29 दिसंबर 1917 को पंजाब में जन्मे रामानंद सागर का रियल नाम चंद्रमौली चोपड़ा था। साल 1942 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पढ़ते हुए संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज में गोल्ड मेडल हासिल किया। इन्होंने स्टार्टिंग में ही अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में शुरू किया था एंड आगे चलकर साल 1950 में इन्होंने सागर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी फॉर्म की। नाउ इसी कंपनी के थ्रू रामानंद सागर जी ने रामायण, अलिफ लैला, कृष्णा, जय महालक्ष्मी, जय गंगा मैया, साईं बाबा, विक्रम और बेताल एटसेट्रा जैसे शोज को क्रिएट किया। मतलब देख पा रहे हो ना कि हमारे भारतीय संस्कृति को आज भी लोगों के बीच जिंदा रखने में रामानंद सागर जी का कितना बड़ा योगदान रहा है। एंड इन्हीं योगदानों के आधार पर भारतीय सरकार ने इन्हें साल 2000 में पद्मश्री से नवाजा। 12 दिसंबर 2005 को जब रामानंद जी की मृत्यु हुई तब इनकी कंपनी का जिम्मा इनके बच्चों ने ही लिया एंड आज तक सागर फैमिली ही इस कंपनी को चलाती आ रही है। रामानंद सागर के बेटों में एक मोती सागर थे एंड मोती सागर के एक बेटे का नाम अमृत सागर था। अमृत सागर ने कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आर्ट से फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके अपना करियर 2003 में हातिम सीरीज को क्रिएट करके शुरू किया। हातिम सीरीज में अमृत सागर एंड शक्ति सागर डायरेक्टर के पोस्ट पर थे, ज्योति सागर वीएफएक्स का काम देखती थी एंड और भी दूसरे लोगों को मिलाकर पूरी एक टीम थी जिन्होंने हातिम सीरीज को क्रिएट किया। एक फन फैक्ट सुनो, साल 2008 में कलर्स चैनल पर आने वाला एक सीरियल जय श्री कृष्णा जो मेरा आज तक का सबसे फेवरेट कृष्णा बेस्ड टीवी सीरीज है वो
एंड बिग मैजिक पर आने वाले अकबर बीरबल सीरीज के क्रिएशन में भी अमृत सागर का बहुत बड़ा हाथ है। वेल, अभी तक आपने क्रिएटर्स को जाना, अब कास्ट को भी जान लो। हातिम यानी अपने मेन हीरो का रोल राहिल आजम ने निभाया है। राहिल आजम का जन्म 25 सितंबर 1981 को बैंगलोर शहर में हुआ था और 18 साल की उम्र से ही इन्होंने अपना करियर एज अ मॉडल एंड एक्टर के रूप में शुरू कर दिया था। इन्होंने एज एन एक्टर फर्स्ट टाइम 2001 में आई एक टीवी सीरीज एक टुकड़ा चांद का में आकाश कपूर का अभिनय किया। उसके बाद कोई है में भी इनका अपीयरेंस होता है एंड कुछ और सीरियल्स के लिए एक्टिंग करने के बाद राहिल आजम ने 22 साल की उम्र में साल 2003 में आई एडवेंचर फैंटेसी ड्रामा सीरीज हातिम में लीड रोल निभाया। हातिम सीरीज को ओरिजिनली स्टार प्लस चैनल पर वीकली बेसिस पर ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसके बाद इसके रीरन्स डिज्नी चैनल इंडिया, स्टार उत्सव और हंगामा टीवी पर भी चलाए गए। आपने इसे सबसे पहले कौन से चैनल पर देखा था कमेंट करके जरूर बताना। प्रिंसेस डॉली और उसका मैजिक बैग भी हातिम जैसा ही एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज था। सच बताऊं तो मैं इस शो का नाम तक भूल गया था, बट मुझे इतना याद था कि हातिम का एक क्रॉसओवर किसी दूसरे शो में हुआ जरूर है। एंड प्रिंसेस डॉली और उसका मैजिक बैग वही शो था जिसमें हमें हातिम का अपीयरेंस देखने को मिलता है। वेल, राहिल आजम ने हातिम के बाद कई सीरीज में काम किया जैसे CID, मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा, गुलाल, हमने ली है शपथ, हिटलर दीदी, मैडम सर एटसेट्रा। बात करें होबो की तो आपको भी पता है कि कीकू शारदा ने हातिम सीरीज में होबो का किरदार निभाया था, जो कि फिलहाल यानी 2022 तक द कपिल शर्मा शो में अजब गजब कैरेक्टर्स के रूप में दिखाई पड़ते हैं। निर्मल पांडे ने दज्जाल का रोल निभाया था और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि निर्मल पांडे फरवरी 2010 में ही 47 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए और इस सीरीज के दूसरे सभी एक्टर्स के लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। साल 2013 में लाइफ ओके पर द एडवेंचर्स ऑफ हातिम नाम से अपने स्टार प्लस वाले हातिम का रीमेक बनाया गया, जिसे सैटरडे संडे टीवी पर एयर किया जाता था। बट ओरिजिनल इज ओरिजिनल, ये रीमेक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और फ्लॉप होकर रह गई। हातिम द लास्ट एपिसोड, यार इसका लास्ट एपिसोड क्या ही डिस्कस करना। आपको भी अंदाजा होगा कि लास्ट एपिसोड में हातिम सातों सवाल के जवाब ढूंढ लेता है एंड दज्जाल की तो अच्छे से लेता ही है खबर। वैसे मेरा तो बहुत मन था कि आपको हातिम के हर एक कहानी के बारे में बताऊं, परंतु वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए ये पॉसिबल नहीं हो सका। बट हाँ, आप हातिम के सारे एपिसोड्स डेली मोशन वेबसाइट या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये शो तब एयर किया गया था जब हाई स्पीड इंटरनेट नाम की कोई चीज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी और CGI क्या जादू कर सकता है, किस लेवल पर कर सकता है, वो इंडियन ऑडियंस की आंखों से बिल्कुल अनजान था। टेलीविजन ही मात्र एक एंटरटेनमेंट का सोर्स हुआ करता था और उसमें भी ज्यादातर सास बहू के सीरियल्स ही आया करते थे। और तब हातिम जैसे टीवी सीरीज का आना किसी रेगिस्तान में भटके मुसाफिर को पानी का पूरा तालाब मिलने जैसी बात थी। हाँ, हातिम की एडिटिंग, साउंड डिजाइनिंग और VFX में काफी गलतियां हैं जिसके बारे में मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि उस समय के हिसाब से हातिम ऑलरेडी एक मास्टरपीस था। इन कंक्लूजन, डोंट कंपेयर दिस सीरीज विद CGI और ग्राफिक्स, कॉज शोज लाइक हातिम वर होल वर्ल्ड फॉर 20 स्केट्स बैक देन। जस्ट टू रिमाइंड यू, एक बार आप मिला नोट वेबसाइट को विजिट जरूर करना। यदि आप एनिमेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड न्यूज देखना पसंद करते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज animation_vibes को फॉलो कर सकते हो, जहां मैं रेगुलर बेसिस पर रील्स अपलोड करता हूं जो सिर्फ एनिमेशन रिलेटेड टॉपिक्स पर ही होते हैं। प्लस ये स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट है वो आपके चाइल्डहुड शोज की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री से भरी पड़ी है, जिसे खास आपके लिए ही बनाया गया है। तो थोड़ा टाइम निकालो और अपने फेवरेट कार्टून्स की सारी वीडियोस देख डालो।